वेलकम या वेलकम बैक टू माय चैनल आई सूर्य। एक और नया दिन, एक और नया वीडियो सुधीर आचार्य के साथ। तो आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइडिंग गियर्स के बारे में। इससे पहले मैं ऑलरेडी दो हेलमेट्स और दो राइडिंग जैकेट्स के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज जाके चेक कीजिएगा। तो राइडिंग गियर्स में ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट राइडिंग गियर्स होता है? एक होता है आपका हेलमेट, दूसरा राइडिंग जैकेट्स, देन राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग पैंट एंड राइडिंग शूज। तो आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का राइडिंग प्रोटेक्शन के बारे में। अब इसमें कवर होता है राइडिंग पैंट्स और राइडिंग शूज, तो हम बात करेंगे राइडिंग पैंट्स के बारे में। अब तक के पूरे राइड्स में मैंने आज तक कभी राइडिंग पैंट्स यूज नहीं किया है। मेरा जितने भी राइड्स था उसमें मैं नी गार्ड्स पहनता था। यूजुअली अगर आप राइडिंग का प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है राइडिंग पैंट्स। अगर आप उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो या आपको उतना लॉन्ग राइड्स नहीं जा रहे हो, सिटी के आसपास या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट राइड के लिए छोटा मोटा 50-100 किलोमीटर के अंदर जा रहे हो, तो वैसे टाइम में आप नी गार्ड्स भी पहन सकते हो। इट्स बेटर टू हैव समथिंग देन नॉट हैव एनीथिंग। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इससे पहले मैं ये नी गार्ड्स यूज कर रहा था। ये मैट बाइकर्स का नी गार्ड है। ये ऑलमोस्ट 3000 रुपीज का वर्थ है। हाँ, इसका बेनिफिट भी है, लॉस भी है। इसका बेनिफिट ये है, इजी टू वेयर है, आप कोई भी राइड पैंट के ऊपर इसको पहन सकते हो राइड के जाते वक्त, और जब राइड खत्म हो जाता है जस्ट आपको निकालना है और साइड में कहीं बॉक्स में रख दे सकते हो। बट इसका प्रॉब्लम ये है, हर बार इसको एडजस्ट करते रहना पड़ता है और ये खाली नी को प्रोटेक्ट करता है। और राइडिंग पैंट्स का बेनिफिट ये होता है कि नी के साथ आपका हिप भी प्रोटेक्ट करता है। हाँ, जब भी आप गाड़ी से गिरते हो इन केस ऑफ इम्पैक्ट, फर्स्ट इधर आपको नी को लगता है और आपका हिप को लगता है। ये दो जगह बहुत बुरी तरह से मार लगता है, इसका पेन बहुत बुरा होता है। वैसे टाइम में राइडिंग पैंट्स जो होता है वो आपका हिप और नी को दोनों को प्रोटेक्ट करता है। और राइडिंग पैंट्स में ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है जो टेयर रेसिस्टेंट है, तो इतना जल्दी ऑपरेशन के टाइम में जब गाड़ी नीचे रोड पे घिस रहा है इतना जल्दी आपका पैंट फटेगा नहीं। मगर जो रेगुलर राइडिंग पैंट्स जो होता है 10-12 हज़ार रुपये का होता है और मेरे पास इतना बजट नहीं था, तो मैंने राइडिंग पैंट के बदले में डेनिम राइडिंग पैंट्स लिया है। तो आज का इस वीडियो में हम सोलेस का डेनिम राइडिंग पैंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम बैग से निकालते हैं। तो दोस्तों ये है वो सोलेस का डेनिम राइडिंग पैंट्स जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखने में ये एक रेगुलर डेनिम जीन्स पैंट के जैसा दिखता है, मगर इसके अंदर एयरटेक का लेवल 2 सर्टिफाइड आर्मर फिट किया गया है, जो आपके नीज को और आपके हिप्स को इंपैक्ट के टाइम में बचाता है। ये है वो एयरटेक का प्रोटेक्टर्स जो लेवल 2 सर्टिफाइड है, जो आपके नीज और आपके हिप को प्रोटेक्ट करता है। और इसको निकालना और लगाना बहुत आसान है। सिंपली आपको इसको यहाँ एक पॉकेट के जैसा दिया गया है जिसके अंदर इसको आपको फिट कर देना है और That's it. You are good to go. Similarly, इसको फिट करने के लिए आपको यहाँ एक पॉकेट के जैसा दिया गया है जिसके अंदर आपको इसको फिट करना होता है और that's it. As simple as that. So that अगर आप इसको रेगुलर जीन्स के जैसा भी यूज कर सकते हो, आप कहीं जा रहे हो, ऑफिस को जा रहे हो, इसको पहन के जा सकते हो ऑफिस के पास, जस्ट इसको निकाल के, ये जो पैड्स है इसको निकाल के आपका जो पैंट है उसको रेगुलर चीज के जैसा यूज कर सकते हो। और ट्रैवलिंग के टाइम में इससे बढ़िया हेल्प और कुछ नहीं होता, क्योंकि जब आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो आप ज्यादा कपड़ा लेके जाना पसंद नहीं करते हो। वैसे टाइम में आप ऐसा एक पेयर ऑफ जीन्स को लेके जा सकते हो जहाँ जब चाहे तब आप जस्ट वो प्रोटेक्टर को निकालना है और इसको रेगुलर जीन्स के जैसा यूज करना है। जरूरी नहीं है कि हर जगह जहाँ रुकते हो आप अपने राइडिंग पैंट को पूरा निकालना है और रेगुलर पैंट पहनना, ऐसा जरूरी नहीं होता है। और जैसे कि मैं कह रहा था, इसमें 3 लेवल्स प्रोटेक्शन मिलता है। एक आपके नी के पास जहाँ सी लेवल 2 सर्टिफाइड प्रोटेक्टर्स है, दूसरा आपके हिप के पास यहाँ भी अगेन सी लेवल 2 सर्टिफाइड प्रोटेक्टर्स है, तीसरा इसके अंदर आपको यहाँ जो दिख रहा है और आप क्लियरली दिखाऊंगा वो केवलार मटेरियल है। हाँ, इसके वजह से अगर गाड़ी क्रैश होता है या आप स्लाइड होते हैं रोड के ऊपर तब पैंट इतना जल्दी फटेगा नहीं। चलिए इसको आपको क्लियरली दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आप सबको कह रहा था, इसका थर्ड प्रोटेक्टिव लेयर है वो है ये जो येलो पार्ट आपको जो दिख रहा है वो 220 GSM का केवलार फैब्रिक है। मतलब
जब भी आपका इम्पैक्ट के टाइम में इतना जल्दी ये फटता नहीं है। सेम थिंग ये जो केवलर मटेरियल है ये टायर के अंदर भी यूज होता है, क्योंकि इतना जल्दी जब रोड से घिसता है, टायर से घिसता है, ये इतना जल्दी फटता नहीं है। तो ये जो केवलर मटेरियल है आपका हिप के पास, इन एंड अराउंड आपका हिप और आपका नी के पास, ये दो जगह इस मटेरियल को दिया गया है। एंड ये ब्रीदेबल मटेरियल है, तो इसके वजह से आपको गर्मी भी ज्यादा नहीं होगा। जब आप राइड कर रहे हो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ प्रोटेक्टिव राइडिंग पैंट पहना है, आपको ऐसा लगेगा कि ये रेगुलर जींस है। तो ये था इस सोलेस का डेनिम राइडिंग पैंट का रिव्यू। ये अगर स्टाइल को कंपेयर करो आपको एक रेगुलर डेनिम जींस का जैसा स्टाइल में है, और उसके साथ ही आपको एक रेगुलर राइडिंग पैंट का जो भी फीचर्स है, जो भी प्रोटेक्टिव फीचर्स है, वो सब इसमें भरा गया है। एंड सबसे बेस्ट है इसका कॉस्ट, अराउंड 6000 टू 6500 के बीच में इसका कॉस्ट है। अगर आपका रेगुलर जो नी गार्ड है उससे अपग्रेड करना चाहते हो, बट आप पूरा रेगुलर फुल फ्लेज 12000 का रेगुलर पैंट, आप राइडिंग पैंट खरीदना नहीं चाहते हो, वैसे में आप इस राइडिंग पैंट को, जो डेनिम राइडिंग पैंट है, इसको परचेस कर सकते हो। मगर जैसे कि मैं आप सबको हमेशा कहता हूँ, अगर हो सके तो फुल फ्लेज राइडिंग पैंट पहनो, या एटलीस्ट ये डेनिम जीन्स पहनो। अगर ये दोनों भी नहीं होता है, आपके पास बजट नहीं है, एटलीस्ट नी गार्ड तो पहन के जाओ, मगर कुछ ना कुछ सेफ्टी गार्ड पहनना जरूरी है। जब हम लाखों रुपए बाइक के ऊपर उसका क्रैश गार्ड, उसका हैंडल बार, ये सब पे अगर इन्वेस्ट कर रहे, वैसे में कुछ हजार हमारे सेल्फ का प्रोटेक्शन के लिए स्पेंड करना जरूरी है। तो उम्मीद है आज का ये जो वीडियो था आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर आप ये चाहते हो कि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूं, तो वैसे में प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और नया वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो और हंसाते रहो।